thank <smart noise> you बसमिल्ल रहा इसमी मोहम्मद इरफानज़ुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल वीज़ा गार्डन्स। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि हमारी कम्यूनिटी में इजाफा हो तो जैसा कि आपको पता है मैं आज कल वीडियो बना रहा हूँ स्टडी वीज़ाज के हवाले से तो पिछली जो वीडियो थी वो जर्मनी के बारे में थी अगर आपको जर्मनी की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो कांडली आप मेरी पिछली वीडियो को ब्राउज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आज मैं बात करूँगा स्वीडन की स्वीडन जैसे आपको पता है शंजन जोन में आता है ई में आता है और अगर आपको वहाँ का स्टडी वीज़ा मिल जाता है तो आप 26 कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं लैंग्वेज वहाँ पे जो है वो है स्वीडिश लेकिन वहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझी और बोली जाती है आपको पार्ट टाइम वर्क या फुल टाइम के लिए कोई लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होता इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप मास्टर या बैचलर डिग्री में जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ आपको फ्री लैंग्वेज कोर्सेस आ, करवाती हैं तो फिर आप वहाँ की लैंग्वेज भी सीख लेते हैं ओके तो हम बात करते हैं वाई स्वीडन इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ या किन वजवाद की बिना पर आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के अगर हम दो तीन साल की रेशो उठा के देखें तो जो वीज़ा अप्रूवल की जो रेशो है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान और इंडिया के कंट्रीज़ के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा आपको बहुत ही हाई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती नॉर्मल सी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है एज़ कंपेयर टू यू एस यू एस से ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं इसके अलावा यहाँ पर डिपेंडेंस अलाउड हैं आप अपने डिपेंडेंस साथ ले कर जा सकते हैं और मजे की बात यह है कि जो भी डिपेंडेंट्स होंगे आपके वहाँ पर Uh, उनकी एजुकेशन और मेडिकल भी फ्री है जी अगर आपके तमाम डिपेंडेंट्स वहाँ पे फ्री पढ़ भी सकते हैं उनका मेडिकल भी फ्री होगा फुल टाइम वर्क अलाउड होता है स्टूडेंट को कोई रिस्ट्रिक्टेड आवर नहीं है जैसे कि यूके uh, में 20 आवर्स अलाउड होते हैं स्टूडेंट को लेकिन स्वीडन में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके अलावा अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी स्वीडन देता है और मोस्टली स्टूडेंट को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल ही जाता है अगर वो थोड़ी बहुत एफर्ट करे तो इसके अलावा पी एस डब्ल्यू भी मिलता है पी एस डब्ल्यू मीन पोस्ट स्टडी वर्क भी मिलता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको पोस्ट स्टडी वर्क दे देती हैं आफ्टर कम्प्लीटिंग योर डिग्री बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ऑफर नहीं करती यू के ऑफ़र करता है उन्होंने बंद कर दिया था अभी समर से स्टार्ट है तो दो साल का पी एस डब्ल्यू यू के में भी स्टार्ट हो रहा है इसके अलावा आपका जो है गैप एक्सेप्टेड होता है स्वीडन इज़ द बेस्ट कंट्री अगर आपका गैप है पाँच साल का भी तो वो भी चल जाएगा उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा वर्क एक्सपीरियंस देना पड़ेगा स्टूडेंट uh, कहाँ पे मार्क आते हैं जी आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर मार्क खाते हैं उसके लिए ये कि गुड न्यूज़ ये कि स्वीडन में कुछ कोर्सेज या आपकी जो एजुकेशन है क्वालिफिकेशन है अगर इस किस्म की है तो फिर आप एग्जम्ट हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए आर्ट्स के बगैर भी आप चल सकते हैं तो वो कौन से कोर्सेज हैं कि अगर आपने किए होंगे तो फिर आप आर्ट्स ना भी हो तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ Uh, सबसे पहले अगर आप बात करें बी टैक एम टैक अगर आपने किया हुआ है तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा विदाउट आयल्स अगर आपने एम बी बी एस बी डी एस फिजियोथरापिस एम एस सी नर्सिंग बी फार्मेसी एम फार्मेसी किया हुआ है तो फिर भी आप एग्ज़म हैं इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आप नहीं दें फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपकी मास्टर और बैचलर डिग्री तीन साल से ज़्यादा की है मिनिमम चार साल की है तो फिर आप एग्ज़म हैं लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी uh, से लेटर लेना पड़ेगा कि आपका जो मीडियम ऑफ लर्निंग था वो इंग्लिश था तो आप एक्जेम्प्ट हो जाएंगे लेकिन एक जो कोर्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है हॉस्पिटैलिटी कोर्स चार साल का होता है तो अगर आपने वो किया हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली आपको फिर भी आइल्स का एग्जाम पास करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसकी वो नाइन हंड्रेड करोना है स्वीडिश करोना होता है आ, और उसके अलावा एमबीसी की जो फ़ीस है वो है पंद्रह सौ करोना आज कल डी एच एल चार्जेस पड़ जाएँगे आपको तीन से चार हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ और अगर हम मजीद शॉर्ट कोर्सेज की बात करें तो शॉर्ट कोर्सेज की फ़ीस स्टार्ट होती है फाइव थाउजेंड करोना से स्टार्ट होती है और अगर आप डिग्री कोर्सेज में जाते हैं तो वो पचास हज़ार करोना से लेके सत्तर हज़ार करोना तक जाती है करोना जो है ना उसकी अगर आप आ, फिगर निकालें तो करेंसी एक्सचेंज रेट निकालें तो करोना जो है ये जो पचास हज़ार करोना है और ये तकरीबन आठ नौ हज़ार डॉलर पड़ेगा आपको ठीक है तो फिर ये उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फीसें नहीं हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसके वो कौन सी चीज़ें हैं कि आपको मद्नज़र रखनी चाहिए स्टडी वीजा के लिए तो अभी हम सुनियाँ लेते हैं कि जैसे अगर आपने डिप्लोमा कोर्स के लिए जा रहे हैं और आपके पास आपने सिर्फ़ इंटर किया हुआ है या बी एस सी बी एस सी किया हुआ है तो फिर क्या होगा आपका क्या एडमिशन हो जाएगा जी लेकिन उसके लिए आपकी जो बी एस सी या इंटर हैं उसमें उसके जो मार्क्स हैं वो फिफ्टी परसेंट से कम नहीं होने चाहिए आपके पास आर्ट्स होना चाहिए फाइव पॉइंट फाइव बैंड होना चाहिए एकेडमिक में और अगर आपका गैप है वो पाँच साल से कम का होना चाहिए तो आपका एडमिशन डिप्लोमा में भी हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप बैचलर डिग्री में जा रहे हैं और आपने सिर्फ़ इंटरमीडिएट किया हुआ है आपके मार्क्स फिफ्टी परसेंट तक होने चाहिए आइल्स यहाँ पे ज़्यादा होगा क्योंकि आपके मार्क्स कम है सिक्स पॉइंट फाइव बैंड होना चाहिए आपका गैप तीन साल का चल जाएगा उसके अलावा आपकी जो एज है वो तेईस साल से कम होनी चाहिए इसी तरीके से अगर हम थर्ड सिनेरियो लें अगर आप स्टिल बैचलर डिग्री में जा रहे हैं और आपने बैक होम से बैचलर भी किया हुआ है और इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो फिर आपके मार्क्स फिफ्टी परसेंट से कम नहीं होने चाहिए और आल सिक्स पॉइंट फाइव बैंड होना चाहिए और आपका जो गैप है वो पाँच साल तक का भी एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि आपने यहाँ पर बेहतर बैक होम से किया हुआ है तो दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर द स्टूडेंट्स कि जिनके गैप होते हैं तो गैप अगर आप जस्टिफाई कर पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है तो स्वीडन इस हवाले से बेस्ट है कि विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हैं और आपका गैप भी एक्सेप्टेबल है लेकिन उसके लिए आपने अगेन आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा तो एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि इनका जो आटम का सेक्शन है 2021 का वो स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो डेड है वो है थर्ड फेबररी डेड uh, है उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है और जो उनका लॉगन पोर्टल है उसके ऊपर जो डेड है 15 जैन है 15 जैन से पहले पहले आपने उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं थर्ड फरवरी फेबररी से पहले पहले uh, तो स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप भी वहाँ पर मिलता है लेकिन उसके लिए आपके आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे होने चाहिए मोटिवेशनल लेटर बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपके पास कोई रिसर्च का ब्लॉग होने चाहिए आपने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा हो तो फिर बेस्ट है आ, तो स्वीडन के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से तो काइंडली कमेंट्स में मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपका रिप्लाई करूँगा इसके अलावा भी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है किसी भी इमिग्रेशन कैटेगरी के हवाले से तो उसको भी मैं आंसर करूँगा थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो को पूरा देखा एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें अपना और अपने इर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी थैंक यू